कश्मीर के शोपिया में आर्मी ऑफिसर के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। शादी में शरीक होने आए आर्मी ऑफिसर को आखिर क्यों भून डाला गोलियों से? इस शहीद आर्मी ऑफिसर का नाम है लेफ्टिनेंट उमर फयाज पैरी, जिनका कल आतंकवादियों ने अपहरण किया था, जिसके बाद आज शोपिया जिले के हरमन चौक पर उनका शव मिला है। खबरें मिली हैं कि उमर फयाज का शरीर बुरी तरह गोलियों से छलनी था। आपको बता दें, उमर फयाज पैरी शोपिया के ही रहने वाले थे। वो आर्मी में डॉक्टर थे। पिछले साल दिसंबर में ही फयाज की इस जगह पोस्टिंग हुई थी। बताया जा रहा है कि वे अपने किसी रिश्तेदार के शादी समारोह में गए थे, जिसके बाद करीब रात 10 बजे उनका उन्हीं के घर से अपहरण कर लिया गया। हालांकि अब पुलिस इस मामले की पूरी तफ्तीश से जांच पड़ताल में जुट गई है। ये पहली बार नहीं है कि जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के साथ ऐसी कायराना हरकत की हो। इससे पहले भी कई बार आतंकवादी ऐसी करतूत कर चुके हैं। पिछले सप्ताह ही आतंकवादियों ने शोपिया में सेना की एक टुकड़ी पर हमला किया था, जिसमें सेना के दो जवान और एक स्थानीय ड्राइवर घायल हो गए थे। मगर सेना के एक अफसर के साथ हाल के सालों में ऐसी हरकत पहली बार की गई है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।